सो मेरा नाम नवीन है और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मुझे उम्मीद है कि जहाँ मेरा दिल तो नहीं टूटा है, लेकिन ज़्यादातर लोग शायर तब बनते हैं जब उनका दिल टूटता है। तो उस पर कुछ लिखा था कि तेरे तुझे खोने के डर से इतना डर गए हम, तुझे खोने के डर से इतना डर गए हम कि तेरे सामने गिड़गिड़ाने लग गए हम, तुझे खोने के डर से इतना डर गए हम कि तेरे सामने गिड़गिड़ाने लग गए हम, और तूने कदर ना की मेरी मोहब्बत की, और तूने कदर ना की मेरी मोहब्बत की, पर देख मेरी दीवानगी दीवाने क्या हुए, शायर बन गए हम। सो इसके बाद एक दो लाइन और हैं और उसके बाद मैं अपनी पोइट्री चालू करूँगा कि ये दौलत, ये पैसा, ये नाम, मेरा काम और सारा सम्मान, ये दौलत, ये पैसा, मेरा नाम, मेरा काम और सारा सम्मान, मेरी धरती, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत, मेरा आसमान और मेरी जान, सब तेरे लिए। ये दौलत, ये पैसा, मेरा नाम, मेरा काम, ये सारा सम्मान, मेरी धरती, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत, मेरा आसमान और मेरी जान, सब तेरे लिए और तू मेरे लिए। तो अब मैं अपनी पोइट्री चालू करता हूँ और आप लोग अगर साथ दें, मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इजहार की ज़रूरत नहीं है, अगर करते हैं तो कहते हैं कि कब समझोगी, ज़्यादातर लोगों का ये सवाल रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि तब समझोगी क्या, तो आप लोग ये तब समझोगी क्या को पकड़ लीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पोइट्री समझ जाएंगे। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ दोहराइए कि तब समझोगी क्या, अगर आप लोगों को लगे तो, कि करूँ इजहार मैं अपनी मोहब्बत का तब समझोगी क्या, मेरी आँखें रोज संभालती हैं तुम्हारी जुल्फों को, मैं जो संभालूँ उंगलियों से एक बार तब समझोगी क्या, मेरे साथ भीड़ में डर नहीं लगता तुम्हें, मेरे साथ भीड़ में डर नहीं लगता तुम्हें, जो मैं तुम्हें छोड़ूं भीड़ में एक बार तब समझोगी क्या, और तुम्हारी हंसी जो मेरी खुशी की वजह है, तुम्हारी हंसी जो मेरी खुशी की वजह है, मैं बनूं तुम्हारी हंसी की वजह एक बार तब समझोगी क्या, और रोज़ गले लगकर मुझसे बिछड़ती हो तुम, रोज़ गले लगकर मुझसे बिछड़ती हो तुम, जो मैं तुम्हें जकड़ूं एक बार तब समझोगी क्या। और ये थोड़ा वैसा है कि रेस्टोरेंट में बगल में बैठकर कॉफ़ी पीना तुम्हारा, रेस्टोरेंट में बगल में बैठकर कॉफ़ी पीना तुम्हारा, उस कॉफ़ी के कप पर तुम्हारी लिपस्टिक के निशान, उस कॉफ़ी के कप पर तुम्हारी लिपस्टिक के निशान, उस निशान पर लव रखकर जो मैं कॉफ़ी पीऊँ एक बार तब समझोगी क्या। और सब समझ में आता है यूँ बाइक पर दूर बैठना तुम्हारा, सब समझ में आता है यूँ बाइक पर दूर बैठना तुम्हारा, जो मैं ब्रेक लगाऊं बार बार तब समझोगी क्या। और छोटे भाई बहन तो भाभी भाभी कहने लगे हैं तुम्हें, छोटे भाई बहन तो भाभी भाभी कहने लगे हैं तुम्हें, जो मैं जान बुलाऊं एक बार तब समझोगी क्या। और मम्मी पापा से मिलना तो जैसे तुम्हारे लिए घर की बात है, मम्मी पापा से मिलना तो जैसे तुम्हारे लिए घर की बात है, जो मैं घर की बहू बुलाकर मिलाऊं एक बार तब समझोगी क्या। और अंत ये है कि अब तुम्हें बताओ मैं कैसे करूं प्यार का इजहार, दिल चीर कर दिखाऊं या फिर पिनाऊं मंगलहार तब समझोगी क्या। कि सच्ची मोहब्बत होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों में होती है, सच्ची मोहब्बत होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों में होती है, जो करता है वो जानता है, जो मरता है वो मानता है, तुम भी एक बार कर कर देखो मोहब्बत पर मर कर देखो, जो मर गए तो समझो घुट घुट जहर पिया है, मतलब जब कोई प्यार में होता और कह नहीं पाता तो अंदर ही अंदर घुटता है, तो जो मर गए तो समझो घुट घुट जहर पिया है, और जो जी गए तो समझो इजहार किया है, इजहार का अंजाम जो भी हो, इजहार का अंजाम जो भी हो, अगर सब कुछ तुम्हें कबूल है
और मोहब्बतें इजहार करना अगर नहीं तुम्हारी भूल है। फिर भी भूल चूक की माफ़ी, फिर भी भूल चूक की माफ़ी मांग लेना तुम, आखिर उसकी मर्जी जान लेना तुम। याद रखना मेरे दोस्तों, तुम्हारी सारी भावनाओं को वो समझ चुकी है। मेरे दोस्तों तुम्हारी सारी भावनाओं को वो समझ चुकी है, उसकी भी मजबूरियों को समझना तुम। याद रखना दोस्तों, मेरे दोस्तों याद रखना तुमने उससे मोहब्बत की है। मेरे दोस्तों याद रखना तुमने उससे मोहब्बत की है। मोहब्बत में मजनू बनना, रांझा बनना, हैवान न बनना तुम। मोहब्बत में हैवान न बनना तुम। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।